Makar Sankranti is one of the most auspicious festivals celebrated with tartness on 14 January every year across India. It is also seen as the festival of kites. People across the city of Varanasi were seen quite enthusiastic about flying kites this Makar Sankranti. Kites of various colors, shapes and sizes ruled the market, with Modi kites being the favorite for most of the kite lovers. मोदी जी की काशी में बहुत ही जबरदस्त डिमांड है और ये डिमांड अब बच्चों बच्चों की जुबान पे चढ़ चुके हैं क्योंकि मकर संक्रांति का यह पावन पर्व है और इस पर्व में मोदी जी की फोटो बनी हुई पतंग ही काशी के आकाशों में दिखाई पड़ रही है और हम लोगों का पतंग बांटने का आज यहाँ उद्देश्य ये रहा कि बच्चे आज जो आधुनिक मोबाइल और कंप्यूटर के खेलों में उनकी मुस्कान समाप्त हो चुकी है तो भारतीय पारंपरिक त्योहारों को उत्सवों को मनाया जाए इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ बच्चों का पतंग उत्सव मनवाया है और इसका एक कारण और भी रहा है कि पतंग जो बनाने वाले कारीगर होते हैं वो समाज का अंतिम व्यक्ति होता है सो अंतिम व्यक्ति का रोजगार फले फूले और वो अपने परिवार का भरण पोषण बहुत ही अच्छे ढंग से कर सके इस उद्देश्य से हम लोगों ने आज यहाँ पतंग उत्सव मनाया है। The kite festival is also seen as a traditional celebration and keeping the Indian culture alive. Correspondent Girish Dubey from Varanasi.